नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आई रियली होप दैट यू ऑल आर डूइंग फाइन। नायका हॉल के दो पार्ट्स तो ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, आप जाके देख सकते हो मेरे चैनल पे। इस साल जब मैं जून में इंडिया गई थी तो मैंने बहुत सारी शॉपिंग की थी, एंड नाउ टुडे आई एम गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट दीज लिपस्टिक्स। आठ लिपस्टिक्स हैं, इंडियन ब्रांड्स की हैं, और इन लिपस्टिक्स को मैंने पहली बार जब यूज़ किया तो मुझे कैसा लगा, चलिए आज की वीडियो में मैं आपके साथ फर्स्ट इंप्रेशन शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट गोइंग। एंड यस, आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक टू ऑल ऑफ दोज हु चोज टू स्टिक अराउंड एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हमारी फैमिली ग्रो होती है, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। अगर आपका किसी भी तरीके का फीडबैक है डेफिनेटली कॉमेंट सेक्शन के थ्रू मुझ तक पहुँचा देना यह बात। अगर आप पूरी वीडियो देखते हो मेरी तो प्लीज़ मुझे ज़रूर से बताना कि आपको मेरी वीडियो में कोई कमी लगती है या अच्छी लगती है। आई वुड लव टू नो दैट। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो हाय, मेरा नाम प्रीति है। आपको अगर डेली डोज ऑफ मेकअप कॉन्टेंट देखना अच्छा लगता है देन स्टिक अराउंड एंड डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। नाउ लेट्स गेट गोइंग। एंड यस, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जितने भी लिप प्रोडक्ट्स आपको मैं आज की वीडियो में दिखा रही हूँ ये मैंने खुद खरीदे हैं। किसी ने ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं की है, किसी ने मुझे पैसे नहीं दिए कहने के लिए कि कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, व्हाटएवर इट इज। आई एम अ कंटेंट क्रिएटर और इसलिए मैंने ये आठ लिप प्रोडक्ट्स खरीदे हैं। अगर आप एक नॉर्मल गर्ली हो देन यू डोंट फील प्रेशर्ड एंड डोंट जस्ट गो एंड परचेज ईच ऑफ दीज। आपको कुछ अच्छा लगता है खरीदो, use your brain before purchasing and look at your budget before purchasing anything। और मैं पर्सनली स्पीकिंग लिक्विड लिपस्टिक्स को इतना ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ, पाउडर मैट फिनिश की लिपस्टिक्स टू बी प्रिसाइज, बिकॉज मेरी काफ़ी ड्राई लिप्स है ना, तो इन दिनों मुझे ऐसी लिपस्टिक्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है जो एकदम पाउडर मैट फिनिश की हो और मेरी लिप्स को ड्राई आउट फील कराए। सो आई रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग दीज। पर ऐसा कॉन्टेंट क्रिएटर ये मेरा जॉब है कि मैं इन लिप प्रोडक्ट्स को खरीदूँ और आपको बताऊँ कि अच्छे हैं नहीं हैं, आपको लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे आपका पैसा है, आपको दिमाग लगाना है, आपको खर्च करना है नहीं करना है। सो बी वाइज एंड जस्ट डोंट रन एंड परचेज ईच एंड एवरी थिंग दैट आई एम गोइंग टू शो इन दिस वीडियो। एंड फॉर दैट मैटर किसी भी क्रिएटर की वीडियो आप देखते हो तो सोच समझ के अपने बैंक बैलेंस को यू नो यूज करो। ओके, टू बी प्रिसाइज आज की वीडियो में छह लिपस्टिक्स हैं, एक लिप ग्लॉस है और एक लिप ऑयल है। लिप ऑयल से शुरू करते हैं। स्विस ब्यूटी का डिप टिंट लिप ऑयल इन द शेड ड्रैगन फ्रूट मैंने लिया है और दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक। ये काफी क्वर्की है और ट्रेवल फ्रेंडली साइज है, इट्स नॉट फीलिंग बल्की और चीप इन एनी वे, सो दैट इज अ गुड थिंग। इसका एप्लीकेटर मैं आपको दिखा देती हूँ। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। वेट अ मिनट, जस्ट इन केस यू आर क्यूरियस कि लिप ऑयल होता क्या है, लिप ऑयल इज अ वेरी पॉपुलर प्रोडक्ट दीज डेज। बहुत सारे ब्रांड्स इस प्रोडक्ट को निकाल रहे हैं। ग्लॉस जो है उसके अंदर ऑयल इज देयर एंड दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेल बैलेंस्ड फॉर्मूला दैट यू शुड हैव फॉर गिविंग योर लिप्स अ बिट ऑफ नरिशमेंट हाइड्रेशन। और बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ये प्रोडक्ट कैटेगरी। और आज की वीडियो में भी आपको मैं ये वाला लिप ऑयल इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये एक पीएच चेंजिंग लिप ऑयल है। बेसिकली इट्स एन एलिवेटेड वर्जन ऑफ अ लिप ऑयल एंड आई वॉज क्यूरियस टू ट्राई आउट द फॉर्मूला। ये जो है प्रोडक्ट मैंने अपने हाथ पे लगा के देखा, पिंक था और उसके बाद जब मैंने वाइप ऑफ किया तो उसका स्टेन भी पिंक था विच वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। जब मैंने इसे अपने लिप्स पे अप्लाई किया, फॉर योर रेफरेंस मेरी ड्राई लिप्स है, ओके, मैंने इसे अपने लिप्स पे अप्लाई किया एंड आई वॉज लाइक ओके फाइन, इट्स लुकिंग फाइन, इट ग्लाइडेड ऑन प्रीटी वेल। और उसके बाद मैंने कुछ मिनट बाद जब देखा अपने लिप्स को, इट वॉज लुकिंग प्रीटी फाइन। हाउएवर आई डिड फील कि ये नरिशिंग इनफ नहीं था और ये एक मील को भी सर्वाइव नहीं कर पाया, स्टेन भी कहीं नहीं था मेरे लिप्स पे, यू नो। सो ओवरऑल आई एम अ बिट डिसअपॉइंटेड विद दिस वन। मेरे पास कट्रीज का पीएच चेंजिंग लिप ऑयल है, आई एब्सोल्युटली लव इट एंड नॉट दिस वन फॉर श्योर। मूविंग ऑन, मेरे पास है बहुत ज़्यादा वायरल जो हो गया है ये ग्लॉस। ये मार्स कॉस्मेटिक्स का कैंडीलिशियस ग्लॉस है एंड द शेड टॉफी 12। दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक। आई एब्सोल्युटली लव दिस पैकेजिंग, इट्स इन नो वे चीप लुकिंग एंड ये जो कॉम्पोनेंट यूज हुआ है वो भी बहुत अच्छा लगा मुझे। टू बी ऑनेस्ट, फर्स्ट इंप्रेशन के हिसाब से बात करूँ तो मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा और ब्राउन लीनिंग होगा, नन द लेस इट्स अ ब्यूटिफुल रेडिश ब्राउन शेड। मैंने इसे अपने मैक के रेट्रो लिपस्टिक के ऊपर अप्लाई किया था एंड वाओ वाओ आई मस्ट से मैच मेड इन हेवन। मुझे बहुत अच्छा लगा वो कॉम्बिनेशन। आपको मैं एप्लीकेटर दिखाती हूँ एंड ये एप्लीकेटर बहुत अच्छा है और ये जो कलर है ना ये पूरी तरह से आपको आपके लिप्स पे ट्रांसलेट होता हुआ नज़र नहीं आएगा, थोड़ा सा शीयर ही है यू नो, तो आपको इसे बिल्ड करना पड़ेगा एंड इट हैज़ गॉट दैट फ्रूटी सेंट एज वेल। नन द लेस आई एम इन लव विद द कलर एंड आई माइट टेक सम अदर शेड्स फ्रॉम दिस रेंज। वेरी ग्लॉसी, वेरी जूसी एंड नॉन स्टिकी फॉर दैट मैटर। ओके, लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट लिपस्टिक्स। तो मेरे पास है मार्स का ये लिप क्रियॉन, दिस इज फ्रॉम द वोंट स्मज वोंट बज लिप क्रियॉन रेंज एंड द शेड दैट आई गॉट इज गर्ल पावर। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल टेराकोटा ब्राउन शेड एंड जस्ट बिकॉज द शेड वॉज वायरल आई पिक्ड इट अप, दैट्स नॉट ट्रू। आई लव सच शेड्स एंड दीज
काइंड ऑफ शेड्स, फ्लैटर मीडियम स्किन टोन, सो मैंने इसलिए शेड पिक किया. प्लस आई रियली वॉन्टेड टू ट्राई आउट द फॉर्मूला. एंड आपको मैं बता दूँ, मार्स के लिप ट्रियो के साथ मेरा अच्छा नहीं रहा एक्सपीरियंस. मैंने आपको ऑलरेडी अपनी एक वीडियो के थ्रू ये बात बताई थी. इनफैक्ट मल्टीपल वीडियोज़ के साथ मैंने आपको ये बात बता दी थी क्लियरली कि आई रिग्रेट बाइंग दैट ट्रियो, क्योंकि लिपस्टिक जो वो पैची हो गई थी और एक मील के बाद तो वो लिपस्टिक पूरी स्मेयर हो चुकी थी मेरी लिप्स पे. आई वॉज लुकिंग लाइक अ जोकर. सो आई वॉज स्केप्टिकल टू ट्राई आउट द फॉर्मूला ऑफ दिस वन, बिकॉज आई हैड दैट फीलिंग कि कहीं फिर से वही ना हो जो मेरे साथ पहले हुआ था. बट आई वॉज लाइक ओके फाइन, बींग अ कंटेंट क्रिएटर आई शुड ट्राई आउट. तो मार्स का ये लिप क्रॉन मैंने खरीदा. इसका जो साइज़ है वो स्टैंडर्ड साइज़ है. पैकेजिंग भी नायका शुगर का जो लिप क्रॉन रेंज है वैसी सी ही है. सो नथिंग मिराकुलस ओवर हियर. दिस इज हाउ द प्रोडक्ट लुक्स लाइक. एंड द शेड इज रियली प्रिटी शेड ऑफ टेरकोटा ब्राउन दैट आई लव फॉर वंस. इसके अंदर येलो टोन ज़्यादा नहीं है कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, तो शेड मुझे अच्छा लगा. ये काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है, मुझे बिल्कुल भी कोई शिकायत नहीं है. मेरे पिगमेंटेड लिप्स हैं और उसके ऊपर मैंने एक बार जब इसे लगाया, ओ माई गॉड, आराम से जो पिगमेंटेशन है उसको कवरेज दे दी थी. देन आई हैड अप्लाइड इट नाइसली ऑन माई लिप्स एंड बहुत हद तक ट्रांसफर प्रूफ मैं कह सकती हूँ. देर इज नो डाउट. आई हैव टू थिंग्स दैट आई दैट इज जस्ट इन माई माइंड कि ये डेफिनेटली मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये स्मियर होगा. अगर मैंने इसे पूरे दिन रख के टेस्ट किया ना अपने लिप्स पे, मुझे ऐसा लगता है अंदर से कि ये स्मियर होगा. आई डोंट नो इट्स मच प्रूफ और नॉट, बिकॉज व्हेन आई डिड दिस ऑन माई लिप्स आई कुड सी सम कलर गेटिंग ट्रांसफर्ड ऑन माई फिंगर्स. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्राई आउट द फॉर्मूला पर से. बट फर्स्ट इंप्रेशन के हिसाब से प्रोडक्ट की साइज सही है, जो कलर पे ऑफ है वो अच्छा है एंड इट वॉज लुकिंग रियली प्रिटी. इट जस्ट ब्राइटन्ड अप माई कॉम्प्लेक्शन. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्राई आउट द फॉर्मूला ऑल द मोर एंड टेस्ट इट टू द कोर सो दैट आई कैन मेक अप माई माइंड वेदर आई लाइक इट और नॉट. हैव यू ट्राइड इट? डू कॉमेंट डाउन बिलो. ओके भाई, जब हम मार्स की बात कर रहे हैं तो मार्स की इस लिक्विड लिपस्टिक के बारे में भी बात कर लेते हैं. द शेड दैट आई पिक्ड इज कॉल्ड स्टार स्ट्रक. मैंने जब इसे खरीदा, बेसिकली ऑनलाइन जब ऑर्डर प्लेस किया था, आई वाज थिंकिंग ये थोड़ा सा वार्म टोन में पिंक होगा या थोड़ा मूव लीनिंग होगा. इट्स अ वेरी ब्राइट पिंक विच आई डोंट रियली माइंड, बट आई एम जस्ट लेटिंग यू नो इट्स अ ब्राइट पिंक शेड दैट आई गॉट. और ये इसका एप्लीकेटर है और ये बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड लिपस्टिक लगी है मुझे. फॉर लिक्विड लिपस्टिक इट्स रियली गुड टू हैव. फॉर्मूला इसका मुझे बहुत अच्छा लगा. आराम से मैं प्रोडक्ट को अप्लाई कर पाई थी एंड किसी भी तरीके का स्ट्रीकीनेस मुझे नज़र नहीं आया. अक्सर ऐसे ब्राइट पिंक्स जब बनते हैं ना तो उनके फॉर्मूले में थोड़ी इनकन्सिस्टेंसी होती है और उसके बाद वो प्रोडक्ट थोड़ा पैची सा भी दिखता है. तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. दिस शेड फ्लैटर्ड माई स्किन टोन एंड आई एम इन टू सच शेड्स एंड इट विल सूट फेयर टू मीडियम स्किन टोन गर्लीज. और ये थोड़ी हद तक मुझे लगा कि यू नो स्मच प्रूफ नहीं है या एक्सट्रीमली लॉन्ग वेयरिंग नहीं है, क्योंकि 2-3 मिनट बाद जब मैंने इसे टच किया तो द कलर वॉज गेटिंग ट्रांसफर्ड अ बिट. हैविंग सेड दैट, आई डोंट रियली माइंड इट. आई डोंट वॉन्ट अ पाउडर मैट फिनिश टू बी देयर एंड मेक माई lips feel very uncomfortable. So I'm really looking forward to try out the formula all the more and test it through and through. Moving on, I've got Insight Cosmetics No Smudge Lip Color in the shade Fiji. मुझे लगा था ऐसा warm pink होगा. आप देख सकते हो यहाँ पे भी warm pink लग रहा है. आपको मैं एप्लीकेटर दिखाती हूँ. मुझे एप्लीकेटर भी बहुत अच्छा लगा. 2 फुट एप्लीकेटर है, वेरी इजी टू वर्क विद. तो ये वॉर्म पिंक नहीं ट्रांसलेट होता है, ये काफ़ी ब्राइट पिंक लगा मुझे मेरे लिप्स पे. और मेरे कॉम्प्लेक्शन जो है उसको भी ब्राइटेंड अप कर लिया. मुझे ऐसे शेड्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है. इट इज़ जस्ट दैट फर्स्ट इंप्रेशन के परस्पेक्टिव से आई वॉज एक्सपेक्टिंग इट टू बी अ बिट वार्म देन वॉट इट इज़. फॉर योर रेफरेंस, मेरी ड्राई लिप्स हैं और मेरे लिप्स पे पिगमेंटेशन भी है. इस प्रोडक्ट को जब मैंने अपने लिप्स पे पहली बार अप्लाई किया ना, मुझे लगा वाओ कितना अच्छा टेक्सचर है. इट फेल्ट रियली नाइस एंड मूस लाइक. सो आई वॉज लाइक ओके फाइन दैट्स दैट. बट देन आई लुक्ड अप क्लोजली और मुझे ना मेरे सन स्पॉट पिगमेंटेशन जो है लिप्स पे वो पीक थ्रू करते हुए नजर आए. तो मैंने सोचा चलो इसको बिल्ड कर लेते हैं. मैंने इस प्रोडक्ट को वापस से अप्लाई किया एंड आई कुड सी कि मेरे जो पिगमेंटेशन है उसको इसने कवरेज दी थी. तो जब मैंने इसे 2 बार अप्लाई करके छोड़ दिया, 2 मिनट बाद मैंने इसे टच किया ना, मुझे फिर भी ट्रांसफर होता हुआ नजर आया. सो आई एम नॉट श्योर कि कितने हद तक ये ट्रांसफर प्रूफ है, पर से स्मच प्रूफ है. वो तो मुझे इसे लंबे समय तक छोड़ने के बाद ही समझ आएगा कि ये मेरे लिप्स पे कंफर्टेबल फील होता है यानी 5-6 घंटे बाद. सो स्टे ट्यून टू माई चैनल फॉर दैट. बहरहाल इस फॉर्मूले की बात कर लूँ तो मुझे लगता है ये मेरे लिप्स के लिए ठीक है. इट्स नॉट product that will just extremely dry out my dry lips. So I'm really looking forward to try out the formula all the more. अगर आपने इसे try किया है तो आपने कौन सा shade pick किया था आप मुझे जरूर से बताना और आपको formula अच्छा लगा या नहीं वो भी मुझे बताना. ओके, आई एम रियली एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट वन. मेरे पास है ब्लू हेवन की कुकी एंड सूफले लिपस्टिक इन द शेड कैरमल किस. दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक. आउट ऑफ पैकेजिंग कितनी अच्छी है ना, चॉकलेट के रैपर जैसी लग रही है. एंड दिस इज द एक्चुअल प्रोडक्ट.
So let me show you the applicator first. This is how the applicator looks like. It is a teardrop shaped applicator. और बहुत अच्छे से मेरे लिप्स को ये हक कर रहा था और मैं प्रोडक्ट को आराम से अप्लाई कर पाई, किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं हुई मुझे. मुझे ये पैकेजिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगी. अगर आपको ब्राउन शेड्स पसंद है देन गो फॉर दिस पर्टिकुलर शेड कॉल्ड कैरमल किस. इट विल फ्लैटर फेयर टू डीपर स्किन टोन्स फॉर दैट मैटर, स्पेसिफिकली फॉर मीडियम स्किन टोन गर्लीज. इफ यू आर इन टू यू नो टेरकोटा रस्टी ब्राउन शेड्स देन गो फॉर दिस. आई वॉज स्केप्टिकल, नाउ आई एम स्पीकिंग फ्रॉम अ फर्स्ट इंप्रेशंस पर्सपेक्टिव. मुझे ऐसा लगा कि भाई ये पीची ब्राउन शेड ना निकल जाए जो कि पीच लीनिंग बहुत ज़्यादा हो, बिकॉज आई एम नॉट इन टू समथिंग लाइक दैट टू बी ऑनेस्ट. पर सरप्राइजिंगली दिस इज़ अ रियली ब्यूटिफुल टेरकोटा ब्राउन शेड दैट फ्लैटर्ड माई स्किन टोन लाइक एनीथिंग. सो आई एम रियली ग्लैड दैट आई पिक दिस शेड. आई लव द फॉर्मूला. 99% ड्राई डाउन होता है और 1% नहीं होता है. एंड आई एम नॉट मैड एट इट. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू यूज. ओके, लास्ट बट सर्टनली नॉट द लीस्ट, आई हैव गॉट फेस लिप विप इन द शेड वेट. ये कुछ ऐसा दिखता है और सिर्फ ये वायरल है इसलिए मैंने इसे नहीं खरीदा है. मेरे पास न्यूड स्टिक्स का भी एक लिपस्टिक है जो इसी तरीके के पैकेजिंग में है. एंड आई रियली वॉज क्यूरियस टू ट्राई आउट द फॉर्मूला ऑफ दिस वन. दैट्स दैट. इसके अलावा ये वायरल प्रोडक्ट है, हर कोई इंटरनेट पे इसे हाइप कर रहा है. वैसे कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि पूरी तरह से ड्राई डाउन नहीं होता है, स्मेयर होता है. कुछ लोग बोल रहे हैं ट्रांसफर प्रूफ है, पाउडर मैट फिनिश है एंड फील्स कंफर्टेबल. मैंने कहा ओके फाइन, लेट मी ट्राई आउट माई सेल्फ एंड फाइंड आउट. तो मैंने इस प्रोडक्ट को खरीदा. पैकेजिंग मुझे बहुत अच्छी लगी. एंड इसके अलावा जो शेड है पीची पिंक शेड है दैट फ्लैटर्स माई स्किन टोन एंड इट्स वेल बैलेंस्ड. यू नो पीची पिंक है तो एक्सट्रीमली पिंक नहीं है, एक्सट्रीमली पैची नहीं है. बहुत अच्छा फ्लैटरिंग शेड है फॉर फेयर टू मीडियम स्किन टोन गर्लीज. फॉर डीपर स्किन टोन आई वॉन्ट रिकमेंड दिस शेड टू यू. इट माइट नॉट लुक ग्रेट ऑन यू इज वॉट आई फील. इसके अलावा जो एप्लीकेटर है वो भी मुझे अच्छा लगा. एंड लेट मी शो यू द एप्लीकेटर. दिस इज हाउ द एप्लीकेटर लुक्स लाइक. एप्लीकेटर इज गुड. वन स्वाइप पिगमेंटेशन, आई हैव नो कंप्लेंट्स. इसके अलावा ये स्मज प्रूफ है. एंड या इन माई एक्सपीरियंस आई कैन से जब मैंने इसे पहली बार अप्लाई किया आई कुड फील दैट पाउडर मैट फिनिश है इसकी. और ऐसा कुछ नहीं कि स्मियर हो जाना है, अनलेस मैं एक मील खाऊं और उसके बाद ये स्मियर हो जाए, तो उस तरह की टेस्टिंग अभी मैंने की नहीं है. बट फ्रॉम अ फर्स्ट इंप्रेशंस पर्सपेक्टिव आई एम इम्प्रेस्ड एंड आई हैव नो कंप्लेंट्स. सरप्राइजिंगली आज की वीडियो में जितने भी लिप प्रोडक्ट्स मैंने दिखाए हैं सिवाय स्विस ब्यूटी के लिप ऑयल के, बाकी सारे लिप प्रोडक्ट्स मुझे अच्छे ही लगे हैं. एंड आई एम बीइंग कम्प्लीटली ऑनेस्ट. अगर कुछ खराब होता तो मैं आपको बता देती, जैसे कि मैंने आपको स्विस ब्यूटी के लिप ऑयल के बारे में बताया है. नहीं लगा मुझे खराब और ये सारे लिप प्रोडक्ट्स मुझे सही लगे. या ये बात सच है कि मुझे इन्हें और ज़्यादा यूज़ करना चाहिए. एंड आपके साथ मैं डेफिनेटली ऑनेस्ट ओपिनियन आगे भी शेयर करूँगी. इफ यू आर इंटरेस्टेड देन स्टिक अराउंड एंड डोंट फॉरगेट टू सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग. एंड जस्ट इन केस यू आर क्यूरियस कि मैंने अपने लिप्स पे क्या अप्लाई कर रखा है, मैंने मामा अर्थ की लिपस्टिक इन द शेड पेटल पिंक अप्लाई कर रखा है. एंड आई हैव टॉप्ड इट अप विद दिस लिपस्टिक ग्लॉस फ्रॉम मेबेलिन इन द शेड पेटल. तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो. आई रियली होप कि आपको ये वीडियो देखने में अच्छा लगा होगा. अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है देन स्टिक अराउंड एंड डोंट फॉरगेट टू सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग. आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वन. यू टेक केयर. बाय.